गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एक्सप्लोरर्स। आज हम आपको लेके चल रहे हैं गंडीकोटा, जो कि हमारे यहाँ से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। तो आपको अभी 3:49 हो रहा है टाइम मॉर्निंग का, तो वी थॉट कि सुबह पहुँचेंगे उधर तो गर्मी नहीं रहेगी। अभी समर का टाइम चल रहा है एंड वी कैन कैप्चर सम इमेजेस और वीडियोस फॉर यू गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट्स सी कब हम वहाँ पहुँचते हैं और बीच में आपको कुछ नज़ारे दिखा देते हैं। आपने अभी थोड़ा सा एक पार्ट देखा होगा हमारे वीडियो में, जो एक सुनसान रोड थी। तो अगर आप गंडीकोटा की तरफ आ रहे हो तो इसके लिए रेडी रहना कि कम से कम आपको 6 से 7 या 10 से 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है। तो रात में थोड़ा मज़ेदार लगता है बट गाड़ी निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई और अल्टरनेटिव है तो वो देखें। और अभी हम लोग यहाँ पे वापस NH44 पे आ चुके हैं और थोड़ी देर अभी कितना 2 घंटा ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं 20 मिनट का, और हमने आई गेस अपना मोर देन 120 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। एंड सून अभी थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक लेंगे, थोड़ी सी चाय की ज़रूरत है, फिर नाश्ते की ज़रूरत है। एनर्जी बहुत लो है, हमने शिफ्ट कम्प्लीट किया फ्राइडे को और फिर 2 घंटे सो के हम लोग निकले हैं, तो थोड़े से थके हुए हैं। सो Let's meet you on the break. Bye. आखिरकार हमने ब्रेक ले ही लिया है, तो अभी चाय पी ली हमने और अभी नाश्ते का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आई गेस इडली या डोसा खाएंगे। हाँ, अभी सुबह के 6:30 ही बजे हैं, अभी ये लोग स्टार्ट नहीं किए, 5 मिनट और लगेंगे। और हम लोग हाफ रोड क्रॉस कर चुके हैं, हाफ रास्ता क्रॉस कर चुके हैं, 3 घंटे हो चुके हैं गाड़ी चलाते हुए। तो सोचा एक स्टॉप ले ही लेते हैं और फिर उसके बाद और 3 घंटे का रास्ता है। तो हमारे साथ बने रहिए और आपको हम गंडीकोटा पहुँच गए। अच्छा, वो प्लेस भी दिखानी है। देख, हम यूजुअली सोच रहे थे कोई CCD या कुछ और मिलेगा, बट वैसा कुछ है नहीं है, सिर्फ छोटे ढाबे वैसे मिलेंगे। हाँ, चलता है रास्ते में, तो कुछ भी चलता है। अभी चाय के लिए और नाश्ते के लिए रुकते हैं, तो मिलते हैं आपको गंडीकोटा। खाने की वेट कर रहा है अभी इडली के साथ। नॉर्मल प्लेन और पानी का बॉटल है आपके पास? एक ठंडा पानी का बॉटल। हमारे साथ एक मजाक जैसा कुछ हो
हम लोग रुके थे चाय और नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करते करते हमें याद आया कि हमने कैश निकाला ही नहीं और हम लोग शहर में नहीं, हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। तो बच गए, कुछ लोग थे जहाँ जिनको हमने जीपे करके पैसे ट्रांसफ़र किए तो उन लोगों ने हमें कैश दे दिया। तो उससे ही सीख लेके अभी मैं एटीएम ढूंढ रहा हूँ और कैश निकाल दिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको कैश ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने सीखा है डिफ़िकल्ट वे में, आप रेडी रहिएगा, तैयार रहिए। चालीस किलोमीटर और बाकी हैं और 8:30 बज चुके हैं। लग रहा है आराम से हमको 10:30-11 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। एंड पेट्रोल के लिए प्लीज सेलेक्ट द पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस। पेट्रोल दे नहीं रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे कैश यूज होता है। सो गंडीकोटा का वेट कर रहे थे आप लोग, बट उससे पहले हमने एक और पिट स्टॉप मारा है जो कि मैलावरम है। एंड दिस प्लेस इज ऑसम, यू कैन सी बैकग्राउंड में। सो एक डैम है और यहाँ पे बोटिंग के ऑप्शन है, बट आई गेस अभी कोविड के वजह से बंद है अभी और कोई भी नहीं है यहाँ पे, बट हमने सोचा एक बार आके देख लेते हैं। एंड द व्यू इज great. So tell the camera and show once. Yeah. One second, guys. हे गाइस, सो हम आखिरकार पहुँच ही गए हैं गंडीकोटा और नज़ारा अच्छा है। जस्ट गर्मी है तो समर में आ सकते हैं आप, यहाँ पे टेंट भी अवेलेबल हैं, आप कैंपिंग कर सकते हैं रात में यहाँ पे, एसी टेंट्स भी हैं, सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड द व्यू इज़ अमेजिंग। वी आर जस्ट रिलैक्सिंग एंड एंजॉयिंग द व्यू एंड somebody is shying away from the sun.
सो अभी हमने बहुत जगह देख ली, हमने फोर्ट देख लिया है गंडीकोटा, और कैंपिंग साइट देख ली है, और कैनियन भी देख लिया है। और अभी इवेंट मिल के वहाँ आए थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको दूर से ही देख के खुश रहना पड़ेगा, पर रोड साफ है और अच्छा है, टाइम स्पेंड कर सकते हो आप थोड़ी देर यहाँ पे, चिल आउट कर सकते हो। एंड नाउ हमारा यहाँ से निकलने का प्लान है, यहाँ पे और कुछ ज़्यादा है नहीं ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस, की वजह से काफ़ी चीज़ें बंद है यहाँ पे। तो हुआ तो हम बोटिंग करेंगे, अदरवाइज वी विल जस्ट सी इफ वी कैन फाइंड सम गुड फूड एंड हेड होम। ये हम कल निकले थे अराउंड 4 o'clock के आसपास नाइट में, और अभी 5:32 हो गए हैं, विच इज समवेयर अराउंड मोर देन 12 आवर्स नाउ, तो आई थिंक वी आल्सो नीड सम रेस्ट। बट आप लोगों के लिए हम लोग एक अच्छा ग्लिम्स रखेंगे हर एक प्लेस का, और हमारा थोड़ा सा कैमरा शाइनेस भी कम हो रहा है, तो धीरे धीरे द क्वालिटी एंड द कंटेंट विल बी गेटिंग बेटर, सो प्लीज कीप फॉलोइंग अस। तो अभी वापस जाने का समय आ गया है, ऑलमोस्ट 7 o'clock हो गया इवनिंग का, एंड वी आर वेरी टायर्ड मोस्टली बिकॉज ऑफ द हीट। सो इट्स एक्चुअली आई थिंक 38-39 डिग्रीज, इट वाज दैट इन द आफ्टरनून। या सो नाउ वी हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, वी आर बैक टू माइलावरम, आई हैव शोड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो व्हेन वी रीच्ड बिफोर गंडीकोटा। तो experience all together if you want to talk about the Gandikota trip, road is good, you can come, you can have a good trip. Second thing, restaurants very rare, you will not find a lot of restaurants or dhabas on the way to Gandikota. So agar aap aa rahe ho wahan ke liye, then it's better that you can carry some snacks, और क्योंकि रास्ते में आपको कोई बहुत बड़े ढाबे या ईटरीज नहीं मिलेंगे, आपको वो छोटे वाले ढाबे ही मिलेंगे जहाँ पे आप चाय वाय पी सकते हो, बट उसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ आर, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू कैरी योर लंच एंड अदर थिंग्स विद यू। या सो रोड बहुत सारे विलेजेस के को होते हुए आता है, तो इसीलिए ज़्यादा आपको ढाबा नहीं दिखेगा, बट ऑल टुगेदर माइलावरम इज़ अ गुड प्लेस वेयर यू कैन चिल आउट फॉर अराउंड आवर्स, कपल ऑफ आवर्स, लाइक यू कैन गो फॉर बोटिंग, कायाकिंग, एंड इट डज हैव अ फूड कोर्ट, बट इट इज़ नॉट वर्किंग एज वी टोल्ड यू अर्लियर, कोविड की वजह से चीज़ें ओपन नहीं हैं, पर हैंग आउट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सेकेंड, जब हम गंडीकोटा गए कैनियंस के पास, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीनरी, हाउएवर गर्मी के वजह से अगेन, और कोविड के वजह से जिप लाइनिंग, वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, जिप लाइनिंग है, ट्रैकिंग है, बोटिंग भी है उधर पे, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। देन उसके जस्ट बाजू में आपको मिलेगा गंडीकोटा फोर्ट, अगेन इट्स अ रॉकी मॉन्यूमेंट, राइट, यू वॉन्ट सी मच टिल द टाइम यू आर नॉट एन आर्कियोलॉजिस्ट, राइट, सो उससे ज्यादा आपको वहाँ पे तो ज्यादा है देखने को, ज्यादा बेटर प्लेस है लाइक फ्रॉम आउटसाइड, और यू कैन गो अराउंड एंड वॉक अ लिटिल बिट एंड जस्ट एंजॉय द व्यू व्हिच इज अराउंड इट। एंड देन वी वेंट अप थोड़ा सा उसके पीछे साइड 2-3 kilometers, थोड़ा सा माउंटेन एरिया में आपको विंडमिल्स दिखेंगे। तो हमको आने में समवेयर अराउंड 7-8 hours लगे हैं ओवरऑल, तो हम निकले थे 4 o'clock, पर हम यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें अराउंड 11:30-12 हो गया था, और बाय द टाइम वी रीच्ड बहुत ज़्यादा धूप निकल गई थी। तो अगर आपको गंडीकोटा आना है, इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप नाइट में निकलो, जो कि हमने नहीं किया, हमने सोचा था कि हम 2 o'clock निकलेंगे तो इट विल टेक लाइक 4-5 hours एंड वील रीच हियर इन द मॉर्निंग, बट दैट डिड नॉट हैपन, हमको पहुँचने में काफ़ी लेट। और आपको कैंपिंग ऑप्शन भी है वहाँ पे, तो टेंट्स हैं अवेलेबल, एसी टेंट्स भी अवेलेबल हैं इफ़ यू वांट टू स्टे ओवरनाइट एंड एंजॉय द वेदर एंड द नाइट लाइफ, लाइक लुकिंग इनटू द स्काई फॉर स्टार्स। सो
चलो मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे इट विल बी अमेजिंग. लेट्स गो कीप वॉकिंग एंड देन कीप टॉकिंग. हां सो यहां पे शाम में थोड़ा सा शांत हो गया पानी, बट दिन में जैसे आपने देखा था इट वाज वेवी एंड लॉट ऑफ विंड वाज अराउंड. तो बस सभी निकलते हैं, बहुत हो गया है, बहुत बोल लिया है, बहुत घूम लिया है. एंड ऑफिस के बाद जब आप लाइक कॉर्पोरेट लाइफ जीते हो राइट, 5 days वर्क करके फिर 6-7 days निकलना एक ट्रिप में शिफ्ट के बाद, इट्स नॉट दैट ईजी. बट वी वॉन्टेड टू स्टार्ट लिविंग लाइफ एंड इट्स जस्ट स्टार्ट, सो वी हैव टू डू अवर हार्ड वर्क. And I hope the hard work will pay off, and we are hoping for the best. So for now, keep watching the video. Yeah, and guys, one more thing. अभी 6:30 हो रहे हैं, तो अगर अभी हम निकलेंगे तो हमें I guess पहुँचते 12-1 बज जाएंगे हैदराबाद. तो हम पहुँच के अपना ये ब्लॉग एंड करेंगे ताकि हम आपको बता पाए कि हम सेफली पहुँच गए. And so keep watching, guys. So bye. गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा टायरिंग हो चुका है एंड इसीलिए मैं अकेला हूँ एंड करने के लिए वीडियो. सो थोड़ा बहुत क्लिप्स हमने कैप्चर किया है, तो आप लोग के लिए वो हम लोग इस वीडियो में डाल देंगे. और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. वी रियली नीड योर सपोर्ट. सो Thank you guys, thank you for watching, have a good day, bye bye.